हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग का आ चुके मेरे और एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, मैंने और एक चैलेंज मतलब खुद से लिया है कि मैं स्ट्रीट डॉग को रोज खाने खिलाने वाला हूँ, और देखते हैं कि मैं वो चैलेंज कब तक मतलब हो पाता है मेरे से। और हार्ड 75 की तरह चैलेंज रहेगा, मतलब 75 डेज तक की, पता नहीं कितने दिनों तक रहेगा, पर हाँ हर दिन मैं ट्राई करूंगा कि किसी स्ट्रीट डॉग को मैं खाना पिला खाऊँ, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ। ठीक है, मुझे मतलब एनिमल फिश पॉट फिश बहुत सारी एनिमल के मतलब उनको खाना डालना वगैरह पसंद है। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत सारी फिशेस भी रखी हुई है घर पे। और घर पे आपको पता ही होगा कि दो लैब्राडोर के मेल भी है। बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी, क्योंकि हर यूट्यूबर के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अपना बैकग्राउंड साउंड की होता है, पर मैं क्या करूँ भाई, मेरी वीडियो में बैकग्राउंड साउंड आता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और इन दोनों डॉग से मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं इनको हाथों से बिस्किट खिला रहा था तो ये थोड़ा थोड़ा पास भी आ रहे थे, तो थोड़ा डर लग रहा था, पर कुछ नहीं, मेरे को कुछ हुआ भी नहीं वैसे। और मतलब मेरे को सेफ दिया सारा का सारा। और एक फीमेल भी मेरे को यहाँ पे दिख रही थी, ठीक है, मतलब बुलाने से वो आ गई थी, मतलब इन डॉग को देख के। और मैं उसके पास मतलब खाना डाल रहा था, उसको बुला रहा था पास पास मेरी, आ जा आ जा, पर वो नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मैंने उसको पास जरा सा जाने की कोशिश की थी, वो मेरे से डर के भाग रही थी, मतलब जैसे मैं पास गया थोड़ा तो डर के भाग रही, तो मतलब जा उसने ट्राई भी नहीं किया। और मैं हाथों से खाना खिलाने पर उसको ट्राई किया, पर वो खा नहीं रही थी, तो मैंने छोड़ा भाई, मैंने बिस्किट वगैरह अपने तोड़ तोड़ के उसको डालना शुरू कर दिया। और हल्के से मेरी झलक शक्ल की दिख रही होगी, तो पता नहीं यार मतलब दिख गई तो ठीक है, उतना पार्ट मेरे को कच करना उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब चलो दिख गई तो दिख गई, ऐसे कुछ था। उतना मेरा फेस रिवील वगैरह वगैरह कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है मेरे को फेस उतना। और देख सकते हो मतलब कि मैं ऐसा बंदा हूँ यार, मतलब देख सकते हो मतलब शक्ल उतनी अच्छे से दिख नहीं होगी, पर हाँ मैं आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मेरी उम्र क्या होगी, मेरी क्या होगी। अरे यहाँ पे एक डॉग भी मेरे को दिखा था, मतलब ये उस जगह पे ही बैठा हुआ था, मतलब मंदिर के एक पास की दुकान है, और इनका इसका कहना था कि भाई मेरे पास आके मेरे को खिला ना, मेरे उधर मंदिर के साइड में भी आया खाने के लिए, ना फीमेल के टाइम पे आया खाने के लिए, इसको मेरे को स्पेशल जाके खिलाना पड़ा। मेरे को बीमार भी लग रहा था उतना, मतलब कमज़ोर लग रहा था, बीमार नहीं क्योंकि एक्टिव था पर कमज़ोर था थोड़ा सा, तो इसके पास के मैंने जाके जाके खिलाया। और इसको खाना खाने में मज़ा आया, क्योंकि उसकी बाल भी बहुत बड़े बड़े थे, बाल थे मेरे ख्याल से क्रॉस ब्रीड का होगा, और मतलब बहुत बड़े बाद बड़े 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 थे, और किसने छोड़ा होगा होगा मेरे को पता नहीं। मंदिर के पास मेरे ख्याल से 3-4 डॉग तो आराम से रह जाते हैं, तो अभी मंदिर जा रहे हो तो कुछ लेके जाया करो, और कचरा फेंका मत करो इधर उधर। मैंने कहा सारे का सारा कचरा तो अपने जेब में रख दिया था, और इसको खाना खिलाने में मज़ा आता है। और आप कितने डॉग को खाना खिला सकते हो, मतलब बोल बोल देना कि भाई मेरे को, मैंने इतने इतने डॉग को खाना खिला दिया। और इस वीडियो को खाना खिला के मतलब आप खाना नहीं खिला सकते तो इस वीडियो को एक लाइक तो कर सकते हो, क्योंकि अभी गर्मी में बैठा हुआ और वीडियो की आवाज़ मतलब दे रहा हूँ वीडियो को, सारे फैन वगैरह बंद करके। और यहाँ पे मेरा बिग साइज ऑल का स्क्रीन सबको पता ही होगा, और मैं इसे कटवाना चाहता था, ठीक है, कटवाना चाहता था, शॉर्ट वीडियो के चक्कर में मैंने इसने कटवा भी दिया था मैंने, और शॉर्ट वीडियो के टाइम पर इसने काट भी लिया था मेरे को, पर अभी काट नहीं रहा था, कॉन्टेंट तो निकालना पड़ेगा ना, तो छोड़ो भाई, मैं कॉन्टेंट के चक्कर में अपने हॉस्कर से आप खुद को ही कटवा रहा था, देख रहा था भाई काटेगा नहीं काटेगा। और मैंने यूट्यूब पर देखा, मेरा ही ऑस्कर सबसे बड़ा नहीं है, मेरे ऑस्कर से मतलब दुगने साइज के ऑस्कर मतलब है, ठीक है, मतलब दुगने साइज के ऑस्कर मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल है किसी बंदे के पास। आप सोच रहा था कि इससे भी बड़ा एक ऑस्कर लेके आऊँगा, पर ऑस्कर मैं इससे बड़ा लेके आऊँगा तो प्रॉब्लम क्या होगा इसकी, बताया कि ये टैंक नहीं का एक ऑस्कर के लिए अच्छा है, पर इसके अंदर दो ऑस्कर रखेंगे तो झगड़ा तो कन्फर्म होगा, इसके लिए मेरे को बड़ा टैंक लेना पड़ेगा, मतलब जो मेरा ब्लूबेरी गप्पी फिश का टैंक है ना उस टैंक में मेरे को इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ब्लूबेरी को कहाँ शिफ्ट करो, ठीक है, तो देखेंगे ऑस्कर का क्या होता है। और यहाँ पे मेरी ब्लूबेरी गप्पी फिश के मेल है, और इसके अंदर बहुत सारे मतलब फ्राइज भी मैंने ऐड कर दिए, और इनके कलर्स वगैरह भी आप देख सकते हो। और मेरे ख्याल से इनको भी अभी हफ्ते भर में निकालना पड़ेगा और बड़े वाले टैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए जगह है मतलब थोड़ी छोटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाँ बढ़ जगह तो इनके हिसाब से बहुत है, क्योंकि 10 मेल के लिए इतना बड़ा टैंक यार, मतलब आप प्लांटेड टैंक, उसके अंदर ब्लड सॉम्स वगैरह वगैरह मिल जाते हैं, तो और ऊपर से मैं फीडिंग भी कर देता हूँ। अब भाई देखो मतलब बहुत अच्छी तरह से इनके कलर्स वगैरह ग्रो हो चुके हैं, ठीक है, मतलब देख सकते हो पूरा 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 प्लांटेड एरिया, इनको देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि आंखों को सुकून लगता है। और इसे कुछ डम्बूयर भी बोलते हैं, कुछ ब्लूबेरी गप्पी फिश बोलते हैं, तो इनका रेट थोड़ा हाई फाई रहता है, किसी को ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं, पर इनका रेट ज़्यादा है, मैं पहले ही बोल देता हूँ इनका रेट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल फिशेस में नहीं ऐड होती है, ये थोड़ी कॉस्टली ब्रीड होती है, ठीक है। और देख सकते हो इनके सारे के सारे फीमेल मैंने एक सगाई पे काट मतलब इकट्ठा कर दिए, और इसके अंदर मेरे को कुछ बड़ी फीमेल दिख रही है, तो
तो उन बड़े फीमेल को भी मेरे को निकालना पड़ेगा और बड़े टैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे अभी ये कितने फीमेल मेरे ख्याल से निकलती है, मेरे ख्याल से 300 से 400 फीमेल निकल जाएंगी, 300 से 400 फीमेल बोल रहा था मैं, 300 या 400 फीमेल निकलेगी। और 300 400 मेरे पास मतलब मल्टी कलर्स के बेबीज है और रेड की भी बेबीज है कुछ, वो भी निकलेंगे और स्टॉक में भी कुछ बेबीज निकलेंगे। और थंबनेल देख के बहुत बंदे आते हैं मेरे, तो भाई बोलना चाहता हूँ कि वो फिशेस आती है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फिशेस नहीं आती है, आती है और एकदम से निकल भी जाती है, क्योंकि फिशर बहुत कम रेट की रहती है तो लेने वाले बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड होती है, ठीक है, मतलब एक पोस्ट अपलोड होती है और इसके हिसाब से पता चल जाता है भाई इस बंदे को भाई ये फिशर बुक हो गई। और मैं जैसे ही बुक हो गई तो मैं पोस्ट डिलीट कर देता हूँ, तो आपको मिल ही नहीं पाती है। तो आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूल जाते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम के मेरे करीब 3000+ फॉलोअर्स है। तो आप सोच सकते हो 3000 मेरे यहाँ पे व्यूज़ नहीं आते, उधर 3000+ मेरे इंस्टाग्राम पे यूज़र है। यार यहाँ पे मेरा एक मेल मर गया था, कुछ कर भी नहीं सकता, और मेरे ख्याल से फाइटिंग की वजह से मर गया होगा। और इनका भी बड़ा टैंक बनाएंगे हम कुछ दिनों में, सेटअप करेंगे, मतलब देखेंगे। 3000+ फॉलोअर्स है और मैं मतलब सोच सकता हूँ कितना बड़ा फॉलोअर्स होगा, रेट होगा, कि मतलब जैसे ही पोस्ट डाली मैंने वो सेल, जैसे पोस्ट डालूंगा वो सेल हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, मेरी डेली की डेली वीडियो देखनी पड़ेगी। और अभी मैं मतलब लेने वाला हूँ कि 24 घंटे तक मैं कोई भी ऑर्डर नहीं लूँगा, ठीक है, 24 घंटे के बाद ऑर्डर लूँगा। तो आपको 24 घंटे तक सिर्फ मैसेज करना है, 24 घंटे के मतलब जैसी वीडियो आई आप मैसेज कर दो, ठीक है, 24 घंटे के बाद उस वीडियो से जो भी फिश आएगी उस फिश की मैं ऑर्डर लेने वाला हूँ। और यहाँ पे मेरी मल्टी कलर्स गप्पी फिश है और इनका भी मैं 10-10 पेयर का लॉट निकालने वाला हूँ। अभी देखेंगे कितने दिन में वो लॉट निकलता है, जैसे ही फ्री होगा मैं सारे के सारे फिशेज में एक साइड में इकट्ठा कर दूंगा। जो फिशेज में कुछ नहीं चाहिए, जिनकी फिश कटे हुए हैं वो मैं साइड में खुद रखूंगा, और जिनकी फिश मतलब बड़े वाली फिन वो ग्रो हो चुके वो फिशेज में सेल कर दूंगा। मतलब देख सारी के सारी फिशेज आप मेरी देख सकते हो। यहाँ पे एक गोल्डन बॉडी और हिस्टल का फिश है, इनके अंदर भी मेरे ख्याल से 2 बेबीज थे, अभी मैंने जैसे देखा 5 बेबीज हो चुके, मतलब 3 बेबी ऐड हुए। और ज़्यादा बच्चे नहीं देती है, ठीक है, फिश मतलब बहुत कम बच्चे प्रोड्यूस करती है और ज़्यादा से ज़्यादा मेल प्रोड्यूस करती है। मतलब जो बंदा बिजनेस के लिए लेना चाहता है फिशेस लेके, तो भाई भाई आपका धंधा परफेक्ट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेल प्रोड्यूस करती है। और मेरे पास भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मेल है, मैं फीमेल किसी को मतलब कम ही देता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेल ऑर्डर करेगा उसको मैं फीमेल अपनी तरफ से भी देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा फीमेल के साथ लेगा तो रेट थोड़ा हाई जाएगा, ठीक है, कौन सी भी पिछ लो फीमेल के साथ लोगे तो रेट थोड़ा हाई जाएगा। और आपको शोहब के लिए मतलब शो के लिए पालना है तो मेल मेल लो, थोड़ा सस्ता गिरेगा। और यहाँ पे मेरे पास मेल की बहुत आती है, मतलब 50 पेयर 60 पेयर सीधा मेल आ जाता है, मतलब फीमेल नहीं आती है, मतलब फीमेल बहुत कम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग का भी टेंशन नहीं होता है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे ब्लूबेरी गप्पी फिश, इसके अंदर मैंने 8 मेल और कम से कम 15 से 15 फीमेल हो गई यार, 15 तो फीमेल आराम से निकल जाएगी, मेरे को पता नहीं है, पर हाँ इसके अंदर और भी मेल ऐड होने वाले हैं उस टैंक में से। और इनके कलर्स वगैरह आप खुद देख लो, मतलब अच्छे हैं या नहीं है, मतलब फोर के पूरे के पूरे देखो, फिन इनका फिन भी देख सकते हो, मतलब मैं कभी इनको हाथ लगा के वैसे उनको दिखाता नहीं मेरे, पर कभी कभार दिखाना पड़ जाता है, व्यूअर बोल देता, तो आप बोलो कि भाई इनको उठा के देखो साइड व्यू दिखाओ, तो मैं दिखाता हूँ। मैंने ट्राई भी किया था एक डब्बे में, ट्रांसपेरेंट डब्बा नहीं था तो मैंने उनको छोड़ दिया उस डब्बे का। और देखें मतलब ग्लास का प्राउंड पाउंड है और उसको मैं ऑस करें, और ज़्यादा भी फिशेज में उतना ही भी नहीं है, ठीक है, लोड भी नहीं है, क्योंकि अभी सारा का सारा ध्यान लैब्राडोर के पपीज़ के ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी वो छोटे हैं तो छोटे पपीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, आपको सभी को पता होगा। और वो भी कुछ दिनों में बुकिंग के लिए निकल जाएंगे। जिस भी बंदे को बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो, ओनली फॉर बुकिंग नॉट फॉर सेलिंग, सेल मतलब आपके होम डिलीवर तो बाद में होगी, पर आप बुक कर सकते हो, बुकिंग के लिए आपके पास मतलब अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। अभी 2-3 दिन में आने वाले हैं तो फटाक से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पे आती है। और यहाँ पे देख सकते हो मतलब ब्लूबेरी वगैरह वगैरह, और यहाँ पे मतलब कैसे पता नहीं, देखो यार, और आप देखते रह जाओ, मतलब इंस्टाग्राम पे सबसे पहले जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। यहाँ पे मैंने 3 फीमेल निकाल ली थी, ठीक है, 3 फीमेल निकाल ली है। और देख सकते हो मतलब साइज इनका भी 2 इंच के करीब हो जाओ, मतलब पता नहीं मेरे को 1-1.5 मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया उनका प्राइस में, मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर था। और यहाँ पे देख सकते हो मतलब मैंने यहाँ से निकाला, और यहाँ पे देख सकते हो मतलब 3 ही मेरे ख्याल से निकली थी, और देखेंगे कितनी निकलेगी और बड़े वाले टैंक में शिफ्ट हो जाएंगी। और आपको फिशेज जो मिलने वाली है
वो सीधा बड़े वाले टैंक में, मतलब इस टैंक में से मिलने वाली है। देखो मैंने जैसे ऐड गई, वो चेसिंग के लिए उसके पीछे एक मेल लग चुका था, ठीक है, मतलब वो पीछे साइड में जल गई पर उसके पीछे मेल लग चुका था, और साइड में हट गया भी गया, और मतलब जैसे डाली उस बड़ी बड़ी पीछे स्वागत के लिए आ गई। तो ऐसे चलते